इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। अब आते हैं हम कि अगर वो 65 से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा। तो 15-20% से लेके 60-65% तक अगर बच्चों में है तो माँ बाप बच्चों को ला सकते हैं किसी प्रोफेशनल आदमी के पास, ठीक है। लेकिन अगर वो 65 से ऊपर हो जाएगा तो बच्चा ही लेके आएगा आपको, आपको लाने की जरूरत नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल आवर ब्रेन आवर लाइफ को। आज हम बात करने जा रहे हैं एडीएसडी को लेके। कई पेरेंट्स ने पूछा था, तो एडीएसडी अगेन एक बड़ा सा नाम है और थोड़ा सा प्रेशर लगता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये अगेन बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, बड़े जब आप हो जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड कुछ कंट्रोल कर लेता है तो आपकी लाइफ चल जाती है। वैसे भी इंडियंस को लाइफ काटने की आदत है, तभी तो हम हैप्पीनेस इंडेक्स में 133 पे हैं। सारे वेद यहाँ हैं, शास्त्र यहाँ हैं, बट हम 133वें नंबर पे हैं। वो तो अंग्रेजों को देखो, वो हमसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि मानसिक संतुलन उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो आज हम समझते हैं एडीएसडी होता क्या है आसान भाषा में, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए और क्यों होता है और कैसे हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है, कैसे हमें सिम्टम दिखते हैं। तो आज मैं 5 सिम्टम भी बताने जा रहा हूं इसके आपको। तो हम चलते हैं जर्नी पे, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें हैं। ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और हमारे सारे वीडियोस ही एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज हम समझते हैं एडीएसडी क्या होता है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब हमारी जो अटेंशन है वो सही डायरेक्शन में नहीं आती, हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते और हमारे हाइपर एक्शन होते हैं, गुस्सा ज्यादा आ सकता है, सामान फेंक सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं। तो ये तो इसका एक सरल अनुभव हो गया। तो ये कैसे कैसे सिम्टम होते हैं, यूजली आप देखिएगा ऐसे बच्चे करते रहते हैं। ये मैं बच्चों की बात इसलिए कर रहा हूँ, आजकल बड़े तो कहते हैं हमारी जिंदगी कट गई, हमें चिंता नहीं, तो उन्हें काटने दीजिए। बच्चों की चिंता करिए कि जैसे हाथ हिलाते रहेंगे, पैन हिलाते रहेंगे, पैन ऐसे करते रहेंगे, पाँव हिलाते रहेंगे, पाँव पे पाँव रख के हिलाते रहेंगे, कई बार देखा होगा आपने। तो ऐसी जो हरकतें हैं या ऐसी जो बिहेवियर है आपको दिखता है वो एडीएसडी के सिम्टम्स है। और ये कैसे परेशान करते, जो एडीएसडी है वो 15% तक अगर आपको है, इसके टेस्ट होते हैं प्रॉपर, तो अगर वो 15% तक है तो ज्यादा वरी करने की जरूरत है, वो आपको ज्यादा ना तो परेशान करेगा ना ही आपके पास ज्यादा सिम्टम आएंगे उसके। लेकिन अगर वो 15-20% से लेके 60-65% तक चला जाता है तो फिर सिम्टम आने लगेंगे कि वो बढ़ रहा है, आपको कंट्रोल करना चाहिए, उसके कंट्रोल करने की थेरेपीज होती हैं जिसको आप फॉलो करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। अब आते हैं हम कि अगर वो 65 से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा। तो 15-20% से लेके 60-65% तक अगर बच्चों में है तो माँ बाप बच्चों को ला सकते हैं किसी प्रोफेशनल आदमी के पास, ठीक है। लेकिन अगर वो 65 से ऊपर हो जाएगा तो बच्चा ही लेके आएगा आपको, आपको लाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आपको डिफेंस समझ आ गया, वो आपको फोर्स कर देगा कि आप खुद ही जाएंगे, और तब आप कम से कम साइकोलॉजिस्ट पे जाइएगा रेदर देन गुरुजी या बाबा जी के चरणों में बैठते हैं, क्योंकि एडीएसडी वहां ठीक नहीं होगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये तभी ठीक होगा जो प्रॉपर उसकी थेरेपी आप उसको फॉलो करेंगे। तो आज हम 5 पॉइंट समझते हैं कि ये है क्या और कैसे होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, लो अटेंटिवनेस, बच्चे का ध्यान जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें नहीं रहेगा। क्लास में बैठी है, बैठा है और टीचर पढ़ा रही है, वो आराम से बैठा है अपनी धुन में, आज मैं घर जाके फलाना ऑनलाइन वीडियो देखूंगा, बहुत सारे बच्चों के कार्टून नेटवर्क चलते रहते हैं वो देखूंगा, और धीरे से टीचर उसके सर पे आगे खड़ी हुई है, उसको पता ही नहीं क्योंकि वो फिजिकली वहां प्रेजेंट है, मेंटली नहीं। इसी को अटेंटिवनेस बोलते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वहां आप मेंटली प्रेजेंट ही नहीं। तो हमारे टाइम में तो टीचर बड़ी क्लास क्या मतलब अच्छी पिटाई करते थे,
आजकल स्कूलों में थोड़ा आना है, बट फिर भी टीचर डांटेगी। और डांटती किसको है, बच्चे को तो कम डांटती है, पेरेंट को। हर दूसरे दिन पापा को बुला के लाना, मम्मी को बुला के लाना। तो आप तैयार रहिए इस काम के लिए अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, लेकिन इस सिम्टम को सीरियसली लीजिए, ये ADHD की शुरुआत है। बच्चा अटेंटिव नहीं हो रहा और वो बैठे बैठे आप पढ़ा रहे हैं, लेट जाता है, सोफा है उस पर लेट गया, ठीक है, हर चीज को क्वांटिफाई करने की कोशिश करता है, आर्ग्यू करता है, तो ADHD के बहुत सारे स्मॉल स्मॉल अटेंशन के डेफिशिट हो रहे हैं, अटेंशन जा रही है बच्चे की, और इसी को पहला स्टेप बोलते हैं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, हाइपर फोकस। कोई भी काम नहीं करेगा फोकस के साथ। अब पढ़ाई और ये सब में तो चलो अलग बात है, बाहर जाना किसको बुरा लगता है, किसी को नहीं, सबको घूमना पसंद है, आपको भी पसंद होगा। अब आपने बच्चे को बोला कि भाई संडे को हम चलते हैं फलाने अंकल के यहाँ, बढ़िया पार्टी रखी हुई है, 90% हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, नहीं मेरे को नहीं जाना, ऐसे ऐसे काम बताएगा जो आपको लगेंगे यूजलेस काम है, बट वो बताएगा। और फिर वो माँ होती है ना, उनमें बड़ी कैपेबिलिटी होती है बच्चों को टैकल करने की, कर लेती। अब वो ले गई उसको, अब वो वहां बैठे हो, कोई पूछ रहा है और बेटा कैसे हो, बेटी कैसे हो, कोई जवाब नहीं दे रहा, वो अपने सोशल मीडिया, वो अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा। और अगर गलती से किसी ने 2 मिनट के लिए बोल दिया उसे कि भाई ये फोन रख दे, तो बस वो पार्टी याद रहेगी आपको भी, क्योंकि आप गए हैं, और उस परिवार को भी जिसमें वो गया है। तो हाँ, इतना बड़ा नाटक हो जाएगा। और बच्चा अगर थोड़ा सा 10% कॉन्शियस माइंड उसका स्ट्रॉन्ग है, तो वहां वो सिर्फ शक्ल बना के रखेगा, गंदे वाली वो होती है ना, दिख जाता है माँ बाप को कि भाई अब ये फटने वाला है, लेकिन गाड़ी में जब आप बैठेंगे बस, तो गाड़ी का स्टीरियो चलाने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ हाइपर फोकस में। अब आगे चलते हैं सेकंड, थर्ड हो गया ये डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग्स। वो चीजों को डिसऑर्गेनाइज करके रखता है, उसके कमरे में कपड़े ऐसे ही पड़े होंगे, बुक्स ऐसे ही पड़ी होंगी, बुक्स के कवर फटे पड़े होंगे। चलो यहाँ तक भी माँ बाप झेल रहे हैं, करते हैं आजकल, बड़ी पेन लेते हैं पेरेंट्स। मुझे लगता है कि जो एजुकेशन मान लो माँ बाप ने इंजीनियरिंग किया है, वहां तक गए हैं, तो जब वो बच्चे हो जाते हैं ना, दोबारा से फिर वो सोचते हैं हमारा स्कूल शुरू हो गया। आजकल ये टेंडेंसी हो गई है, पर इसमें एक प्रॉब्लम जो आपको इम्पेक्ट करेगी हाइपर होने की, जब वो डिसऑर्गेनाइज करेगा चीजों को, कि आज उसने कोई चीज रख दी, अब उसने रखी आपको क्या मालूम, और रखी कहाँ, फेंकी है उसने, और वो सुबह उसका एग्जाम है उसमें वो चाहिए, या सुबह कोई टेस्ट है उसमें चाहिए, या टीचर ने मंगाई और वो मिल नहीं रही, तो आप लोगों की खैर नहीं है। उस दिन आप अपने बॉस से भी गाली खाएंगे और बच्चा तो आप पे चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। और ऐसा अगर बच्चा बिहेव कर रहा है तो समझ लीजिए कि ये सिम्टम है, आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। आगे चलते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का एक अलग से भी वीडियो बनाया मैंने, मोटिवेशन क्या होता है, लो कॉन्फिडेंस क्या होता है, मोटिवेशन क्यों करना चाहिए, बट उसका ना मोटिवेशन लैक रहेगा। हर काम को भी शुरुआत ऐसा करेगा मेरे बस का नहीं। अब आपने कहा भाई तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं 98-95%, अब बता नॉन मेडिकल करना है क्या? नहीं नहीं मेरे को तो ड्रॉइंग करनी है। आपको कह रहे ये क्या बोल रहा है, हाँ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो हर चीज को ना किसके कर रहा है कि जो काम वो कर रहा है उसको वो फियरिस्टिक लगने लगता है कि अभी तक तो मैंने कर लिया, अब पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंसंट्रेशन डे बाय डे लो हो रही है। और जैसे जैसे करेगी उसका मोटिवेशन नीचे आता चला जाएगा। और हर बार हर बात में अगर आपने किसी भी बात कर ली गलती से, वैसे कंपेरिजन तो कभी करना नहीं चाहिए, मैं हमेशा अपने पेशेंट के लिए बोलता हूँ, पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए, लेकिन अगर आपने किसी का एग्जाम्पल दे दिया तो उसकी वो इतनी नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करेगा और आर्गुमेंटल हो जाएगा, आपको बोलने नहीं देगा, यू कैन नॉट स्पीक, आप बोलोगे वो जवाब देगा, फिर बोलोगे फिर जवाब देगा, और एक चेन चलती रहेगी, बट वो जो असली मुद्दा है उससे भटक जाओगे। जो आपने कहा भाई हमने आगे तो नहीं करना क्या, उस बारे में बात नहीं हो, बाकी सारी बातें कर देगा वो, इतनी आर्गुमेंट हो जाएगा कि थोड़ी देर बाद आप भी डिसिप्लिन की गोली आपको चाहिए।
होप इट इज क्लियर। तो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। हाई मूड स्विंग, मूड स्विंग अगेन एक ना बड़ा टॉपिक है, तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप हमारी वॉल पे जा सकते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर करता है मूड स्विंग। मूड स्विंग के अंदर बच्चा क्या करता है, आप नॉर्मल टास्क के अंदर भी ना वो सडनली बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है या एकदम पीछे हट जाता है, कर लो तुम ही कर लो सब तुम ही कर लो। और जब आप उससे बात करना चाहते हो, जब भी आप उसे कोई एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो गंगा यमुना बहने लग जाती है, नॉर्मल टॉक नहीं कर पाता है, बच्चा रोने लग जाता है, तो समझ लीजिए मूड स्विंग डिसऑर्डर हो गया। ये अलग से डिसऑर्डर है जो मिक्स हो जाता है ADHD। ये सारे डिसऑर्डर मिक्स होके एक डिप्रेशन क्रिएट करते हैं या एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे डिसऑर्डर एक दूसरे में मिले हुए हैं। स्क्रीन के वीडियोस आप आराम से देख सकते हैं, सारे वॉल पे अवेलेबल है, तो आपको समझ आ जाएगा कि बच्चे को डिप्रेशन हुआ कैसे और ऐसा क्यों होता है। डिप्रेशन या तो जेनेटिकली हो सकता है या बायोलॉजिकल कोई इश्यू हो सकता है या इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल मतलब अगर मदर स्ट्रेस में जब वो प्रेग्नेंट है और उसके बाद 3-4 साल तक, तो बच्चे में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर लाएंगे। तो इसलिए आप पहले अपनी बीवी को खुश रखिए, फिर आप बच्चों को खुश रखिए, तो लाइफ बहुत ही अच्छे से कटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।